What we do here is go back, 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 back. Assalamu alaikum guys, this is Danish Soomro and welcome back to my channel store4u.pk. Guys, today the phone we are going to unbox, which is Realme 8 Pro. Today we are going to unbox, this is a mid-range phone in Pakistan, 8GB or 128GB variant. It has launched in the mid-range, it comes in 48,000 price, official price is 46,000 in the market, easily available, it gets. 6.4 inch Super AMOLED screen and 50 watt charging. 108 क्वाड कैमरा सेटअप लगा हुआ है जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग में बुके इफेक्ट भी आपको देता है. Realme 7 Pro इससे पहले था, उसमें भी वीडियो रिकॉर्डिंग बुके इफेक्ट था. वो यूं मुझे पता है कि हमें एक मिड रेंज फोन की सर्च में दे के हमें मिल जाए जो कि बुके इफेक्ट वीडियो रिकॉर्डिंग दे, तो हमें ये Realme फोन मिला था. सो गाइस, बेहतरीन डिवाइस है इस रेंज में. इन्होंने, मैं आपको बताऊं कि डिजाइन पे बहुत वर्क किया है. 176 ग्राम का वेट है विद 4500 mAh की बैटरी के साथ. इतनी बैटरी के साथ बाकी फोन्स में इतना वेट नहीं दिखाई देता पाकिस्तान में, बट इसने बहुत वर्कआउट किया है. हाँ, सो गाइस, प्रोसेसर के लिए बात करें, हमारे गेमर भाई जो है वो जरा डिसऑर्ड नहीं है, उन्होंने गेमिंग पे भी बड़ा काम किया है. 720 स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो कि फास्टेस्ट प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का. मिड रेंज में ये फास्टेस्ट प्रोसेसर कहलाता है. 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, आपको अच्छी स्पीड देता है. हम आपको पबजी टेस्ट भी दे देंगे इसका इंशाल्लाह. सो गाइस, आपको अगर हमारे चैनल की वीडियोस पसंद आ रही हैं, अब हम चल रहे हैं अनबॉक्सिंग की तरफ. सब्सक्राइब जरूर करें और अनबॉक्सिंग से पहले इंट्रो. So welcome back again guys, I'm unbox karne ja rahe hain Realme 8 Pro. Aur unbox karne se pehle iske piche kuch key features hain, wo main aapke liye padh dun aur dikha dun aapko ke Realme 8 Pro 108 MP ultra quad camera unhone bahut acha diya hai aur 50 watt super dirt charge. Super dirt charge jo hai ek technology hai jo ke powerful charge karta hai, even aapka laptop bhi charge kar dega. जो आजकल टाइप सी वाले लैपटॉप्स आ रहे हैं तो उनको भी ये चार्जर आप लगा दें. मींस मैं समझता हूँ ये चार्जर बाकी फ़ोन्स को भी बेहतर चार्ज कर लेगा. सुपर स्लिम एंड लाइट, मैंने आपको पहले ही बताया कि डिज़ाइन पे ज़्यादा काम किया है इन्होंने, स्लिम बनाया है, वेट बहुत कम रखा है इसका इन्होंने. 176 ग्राम का वेट है इसका. 6.4 इंच सुपर एमोलेड फुल स्क्रीन, सुपर एमोलेड की स्क्रीन दी है 6.4 इंच की है. स्नैपड्रैगन 720 जो कि 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, जो गेमर्स भाई हैं उनके लिए बेहतरीन प्रोसेसर है ये. 4500 mAh बैटरी है. सो 4500 mAh के साथ आपको 176 ग्राम का वेट मिल रहा है. सो कह सकते हैं कि एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है और स्लिम और खूबसूरत. हम जो अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो 8GB और 128GB वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान में यही आया है, और हम ब्लैक कलर इसको अनबॉक्स करने जा रहे हैं. सो अनबॉक्स करते हैं. सो गाइज, अनबॉक्स किया है तो ये ऊपर इसके जो है अंदर एक आपको जो है सिम इंजेक्टर टूल है, और ये बुकलेट्स हैं, कुछ वारंटी क्विक गाइड और शायद वारंटी वगैरह लिखा होगा, और ये आपको सिलिकॉन केस दिया है जो कि आपके सामने है सिलिकॉन केस. और अब हम चलते हैं फ़ोन की तरफ, मेन डिवाइस जिसके लिए आप एक्साइटेड हैं. ये हमने ब्लैक कलर जो है अनबॉक्स किया है. पीछे वाला लुक पहले मैंने दिखाया आपको, तो आप देख लें. यहाँ पर लिखा हुआ है डेयर टू लीप और 4 कैमरास दिए हुए हैं, और पीछे एक एलईडी फ्लैश है. और ये जो डिज़ाइन है थोड़ा ग्लॉसी और ग्लिटर टाइप का डिज़ाइन है, बट इस पर जब आप हाथ लगाएंगे तो इसके फिंगरप्रिंट्स भी यहाँ नहीं आते, तो इस तरह का है. ये प्लास्टिक बॉडी है बैक से, और फ्रंट से ग्लास है, पंच होल स्क्रीन है, और ऊपर से वॉइस कैंसिलेशन, एक वॉइस कैंसिलेशन माइक है ऊपर से. इस साइड अगर देखें तो वॉल्यूम बटन और पावर बटन है, और नीचे की तरफ जो है एक स्पीकर है. 3.5 mm का जैक है, टाइप सी 2.0 की चार्जिंग है इसमें. सो गाइस, ये आपके सामने लुक है. अब ऑन करते हैं, जब तक ये ऑन हो तो हम इसकी एसेसरीज को चेक कर लेते हैं. एसेसरीज क्या है,
एसेरीज में एक केबल है जो कि सिंपल यूएसबी टू टाइप सी है आपके सामने ये केबल, और चार्जर दिया है, हैंड फ्री नहीं है गाइस इसमें। सो चार्जर, सुपर डट चार्जर, ये चार्जर जो है पावरफुल चार्जर दिया है उन्होंने बहुत, और मैं आपको इसमें देख के बताऊं कि 65 वॉट तक ये चार्जिंग मैक्सिमम कर सकता है। फ़ोन में 50 वॉट तक चार्जिंग सपोर्टेड है, लेकिन ये 65 वॉट तक चार्जिंग सपोर्ट कर सकता है। सो गाइस फ़ोन ऑन हो गया, इसको एक्टिव करते हैं। सो गाइस फोन ऑन हो गया, अब हम बात करें जो है इसकी स्क्रीन की। 6.4 इंचेस का जो है डिस्प्ले है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया है। इसकी जो रेजोल्यूशन है 1080x2400 मेगापिक्सल है, और ये जो बॉडी रेशो है इसका तकरीबन 85 स्क्रीन टू बॉडी रेशो है। पंच होल डिस्प्ले है और इन स्क्रीन फिंगरप्रिंट है, अगर आप जो है ये मैं आपको दिखाऊं। और इसकी अंदर से बात करें अबाउट में जाके कि क्या लिखा हुआ है, अंदर दिखाता हूँ आपको। एंड्रॉयड 11 होगा यकीनन। अच्छा, कनेक्टिविटी में बताऊँ कि इसमें जो है NFC दिया हुआ है, ब्लूटूथ जो है आपके पास 5.0 ब्लूटूथ है, NFC भी है इसमें। और अबाउट देखते हैं, इसमें अबाउट में क्या दिया है उन्होंने, अबाउट में लिखा हुआ है रियलमी 8 प्रो 11 एंड्रॉइड 11 है। ऑब्वियसली 8 GB रैम है इसकी, 720 ऑक्टा कोर है, 128 GB स्टोरेज है। अच्छा, मैं गाइस सिम निकाल के दिखा दूं कि ये सिम कितनी लगती है, क्या हाइब्रिड है या नहीं है, वो भी आपको हम जो है इसको खोल के देख सकते हैं। सो गाइस दो सिम ये आपके साथ जो है सिम चेक, ये आप दो सिम और एक कार्ड लगा सकते हैं इसमें, हाइब्रिड नहीं है ये। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी फ्रंट की, तो फ्रंट ग्लास है, बैक प्लास्टिक है। और मैं इसके अब कैमरा की बात करूं तो क्वाड कैमरा है, चार कैमरा इसमें दिए हुए हैं। एक सिंपल वाइड कैमरा है जो कि 108 मेगापिक्सल है, इसका जो दूसरा कैमरा है वो 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है जो आपको पोर्ट्रेट मोड देता है। फ्रंट कैमरा जो है इसका 16MP इसका फ्रंट कैमरा है, और इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूं तो 4K में आप 30fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको दिखाऊं इसमें नाइट मोड है, वीडियो मोड है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, 108 मेगापिक्सल डायरेक्ट है, और मोर में स्टेरी मोड है, मींस कि आप स्टेबल जो है ले सकते हैं। डुअल वीडियो रिकॉर्डिंग है, मींस कि आप फ्रंट और बैक दोनों एक साथ यूज़ कर सकते हैं। स्लोमो है, टाइम लैप्स है, AI मिक्स पोर्ट्रेट कैमरा है, मींस के जो कि डिटेक्ट करके बताएगा कि ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन है, AI इन्होंने यूज़ किया हुआ है, और मूवी है, टेक्स्ट स्कैनर है, अल्ट्रा मैक्रो है, पैनो है, और एक्सपर्ट है, ये सारे मोड्स हैं इसमें। अच्छा, अब मैं इसकी कैमरा रिजल्ट आपको बताऊंगी। इसकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो 108 मेगापिक्सल है, 1080 पर आप जो है 480fps पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, 480fps तक आप जा सकते हैं इसमें, और बाकी fps जारी बात है 480 है तो आपको 60fps 30fps तो मिल ही जाएगा। और अब मैं कुछ स्नैप्स आपके सामने शेयर किए हुए हैं, आप पिक्चर के कुछ क्लिप्स शेयर किए हुए हैं जो कि बुके वीडियो में रिकॉर्डिंग है, वो भी आप चेक करें आपके सामने कैसे बुके बना रहा है ये। और फ्रंट का रिजल्ट भी आपके सामने, ये एक सिंपल फोटो है और ये पोर्ट्रेट फोटो है, ये भी आप चेक कर लें इसका रिजल्ट। अब हम इसकी तरफ जाएंगे, इसकी गेमिंग टेस्ट की मैं वीडियो आपको अलग दूंगा, उसे हम चेक कर लेंगे कि पबजी कितनी ग्राफिक्स तक जा रही है और ये वो। इसके जो प्राइस है वो ऑफिशियल 48,000 है भाई, ये आप जो मिड रेंज फ़ोन कहलाता है, और 46,000 में मार्केट में इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, वहाँ से भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, ये अनबॉक्स हमने कर दी, दो कलर हैं इसमें, ब्लैक एंड ब्लू पाकिस्तान में आए हैं, दोनों कलर आपके सामने हैं, ये हमें आपको वीडियो में दिए हैं, दोनों कलर आप चेक कर सकते हैं। डिज़ाइन और वीडियो और लुक्स सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। और कोई अगर क्वेश्चन हो इस फ़ोन के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में करें, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। ऑर्डर करना चाहें तो अभी आप जो है लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं, हम कोशिश करते हैं जो लिंक दें वो लोवेस्ट प्राइस इन पाकिस्तान हो। सो गाइस, हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, और मे बी हम आगे चल के लॉकडाउन की तरफ जाएँ, SOPs का ख्याल रखें ताकि हम लॉकडाउन की तरफ ना जाएँ। सो अपना ख्याल रखिएगा, दिस इज़ दानिश सुमरो, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो विद Realme 8, और ये था Realme 8 Pro। सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।